हम खड़े हैं तारी घाट बारा मार्ग पर। इधर बिहार की सीमा है कुछ किलोमीटर की दूरी पर और इधर यह सड़क सीधे गाजीपुर के लिए जाती है। आज से 8 दिन पहले यही दुर्घटना हुई थी, एक बच्चे की अकाल मौत हो गई ट्रक में दब करके। यही वह जानलेवा गड्ढे हैं, इन्हीं का बेटा था, पहली क्लास का छात्र था, गरीब परिवार, अनुसूचित जाति से करता है। यह पूरी सड़क पूरी सड़क के रूप में जानी जाती है वर्तमान में और दशकों से इस सड़क का यही हाल है। कई बार लिखा पढ़ी किया गया, यही स्थान है जहां बेहया की रोपाई की गई, आगे मछली पालन किया गया, जाल डाला गया। 12 गांव है जहां से शुरुआत होती है गाजीपुर जनपद की। वहां लठ लेकर के लोगों ने सड़क नापा, SDM से कहा कि यह सड़क अब चलने लायक नहीं है, इस सड़क का पट्टा करवा दो मत्स्य पालन के लिए। कहीं किसी को फांसी दी गई लोक सेवकों को, तो फिर कहीं कुश्ती दंगल कराया गया, कहीं सड़क पर कबड्डी हुई, लेकिन शर्म नहीं आई। इस सड़क ने अनेक जान लिया है। यहाँ के विधायक हैं श्री ओम प्रकाश सिंह जी, जो कई बार मिनिस्टर रहे हैं, सांसद भी रहे हैं यहाँ से, वर्तमान में यहाँ के सांसद श्री मनोज सिन्हा जी हैं। कई बार मेल किया गया, लिखा पढ़ी किया गया, जिलाधिकारी कई बार आए गए हैं। यहाँ बच्चे की मौत होती है, कई लोग इसमें दब जाते हैं, लोगों ने नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए जान बचाया। कुछ लोगों ने आक्रोश, सड़क का जो आक्रोश था लगातार जो झेल रहे हैं, कुछ लोगों ने तोड़फोड़ भी किया, जिनके ऊपर आज कार्रवाई चल रही है। कई परिवारों के लड़कों को बंद कर दिया गया है, रासुका लगाया गया है। मैं पुलिस कप्तान और प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा, आप इसे बंद करिए। आप उस मूल पर क्यों नहीं जाते कि आखिर यह घटनाएं हुई क्यों नहीं? नियमतः तो अगर इसके लिए सच माना जाए तो यह जो सड़क है इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज होना चाहिए। जेल तो उन्हें भेजा जाना चाहिए जो लोग कई बार इस अनुरक्षण के नाम पर, इस सड़क को ठीक करने के नाम पर पैसा उतारा गया है। अधिकारियों को जेल में होना चाहिए नियमतः। मैं अनुरोध करूँगा कि इस तरह का न किया जाए। और अभी भी कितना, संजय खत्री जी, आप गाजीपुर के युवा अधिकारी हो, इतना तो करवा सकते हो कि यह गड्ढा पट जाए। हम वहीं खड़े हैं जहां बच्चे की जान गई है, जहां कई लोग दब गए थे। यह मामूली गांव नहीं है, एशिया का सबसे बड़ा गांव है गहमर, जहां के श्री विश्वनाथ गहमरी जी सांसद हुआ करते थे। सदन में उन्होंने अपना पक्ष रखा था कि गाजीपुर के लोग गोबर खाते हैं। नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, आंखों में आंसू आ गए थे। उस जगह हम खड़े हैं, अनेक लोगों ने बचाया है। हमारे बीच डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने भी नागरिक कर्तव्यों का पालन किया। हमारे साथ मनीष सिंह बिट्टू हैं, जिला पंचायत के मेंबर हैं, इन्होंने भी तोड़फोड़ रोका। ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया जाना चाहिए। हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और यहाँ के DM जो भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप इस समय काम कर रहे हैं, अगर अब भी गड्ढे नहीं पाटे गए, लोगों से मैं आह्वान करूंगा, एक एक टुकड़ी अगर हमर गांव के लोग जाते तो यह गड्ढे पट जाते। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक के गुड सेंस की कामना करता हूँ, सद्बुद्धि की कामना करता हूँ। आज उस दिवंगत बेटे की माँ ने भी दो ईंट रख करके यह संदेश दिया है, हमने तो नागरिक कर्तव्य की शुरुआत कर दिया। शासन और प्रशासन, अगर थोड़ी भी शर्म हो तो आप भी अपने दायित्व का निर्वहन करें। आज के दिन हमें यही कहना था, यही करना था, आगे फिर आएंगे, लोगों को जगाएंगे, टोका टाकी करते रहेंगे और इस मामले को हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में PIL के तौर पर ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।